वेलकम टू माय क्लास इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम एरे फार्मूला की बात करेंगे एंड दिस इज पार्ट नंबर वन आइएगा मूव करते हैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल की तरफ जिसकी मदद से हम एरे फार्मूला को अंडरस्टैंड करेंगे सिंप्लिसिटी सेक मैंने एक स्ट्रक्चर को यहां पर पहले से ही डिजाइन कर लिया सो दैट वी डू नॉट वेस्ट अवर टाइम लेफ्ट साइड के ऊपर मुझे एक टेबल दी गई है जिसका टाइटल है एक्सपेंस लिस्ट फॉर द ईयर 2022। इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर चार कॉलम्स हैं द फर्स्ट वन इज आइटम द सेकेंड वन इज़ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल द थर्ड वन फॉर द मंथ ऑफ मे एंड द लास्ट वन फॉर द मंथ ऑफ जून यहाँ पर हमें डिफरेंट आइटम्स की कुछ एक्सपेंस दिए गए हैं और इनका टोटल भी हमें यहाँ पर दिया गया है नीचे हमें बजट अमाउंट फॉर 2023 को कैलकुलेट करना है और इसके लिए कंडीशन दी गई है इंक्रीज बजट अमाउंट फॉर 2023 दैट इज 10 परसेंट दो के लिए 10 परसेंट बजट को इंक्रीज कर दो सो so, मैं इस जगह के ऊपर एक फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ इक्वल्स टू सी टेन मल्टीप्लाइड बाय एच वन वन क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा तो मैं F4 को प्रेस करके इसे एब्सल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ आई प्रेस एंटर मेरे पास यहाँ पर एक फिगर आ गई सिक्सटीन थाउजेंड वन लैख सिक्सटी थाउजेंड का अप्रैल के महीने के अंदर हमारा टोटल बजट था हमें सिक्सटीन थाउजेंड को ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के अंदर इंक्रीज करना है जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यहाँ पर यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ सिमिलरली मैं इस जगह के ऊपर भी मई 2023 के बजट को कैलकुलेट कर रहा हूँ सो so, D10 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ H1 के साथ अगेन आई प्रस F4, आई प्रेस एंटर मेरे पास मई 2023 का बजट 17,000 इंक्रीज होगा ये भी आ गया वी यूज दिस पर्टिकुलर फार्मूला हेयर सिमिलरली मैं जून 2023 के लिए इंक्रीज बजट को यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ क्वस टू द टोटल एक्सपेंस ऑफ जून 2022 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10% परसेंट के साथ आई प्रेस एफ फॉर आई प्रेस सेंट्रल मेरे पास इन तीनों महीनों का इंक्रीज बजट का अमाउंट आ गया स्टूडेंट आप नोट कीजिएगा कि यहाँ पर मैंने तीन डिफरेंट फॉर्मूले यूज किए हैं यही चीज मैं एरे फार्मूला के जरिए भी कर सकता हूँ मैं आपके सामने इस एरे फार्मूला को टेकअप कर रहा हूँ जिस जगह पर मुझे एरे फार्मूला लेना है यहाँ पर मैंने उस कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर लिया इंक्रीज बजट अमाउंट फॉर 2023 मैंने इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट कर लिया फार्मूला बार के अंदर मैं इस जगह पर फंक्शन लिख रहा हूँ इको टू एच क्योंकि यहाँ पर मेरे को फंक्शन को ड्रैग करना है तो मैं इस एच को एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैंने एफ फोर को प्रेस कर दिया दिस इज मल्टीप्लाइड बाय सी टेन टू ई टेन स्टूडेंट ध्यान देंगे मेरा ये फार्मूला यहाँ पर कंप्लीट हो गया लेकिन मैं एंटर प्रेस नहीं करूँगा मैं तीन कीज़ को इकट्ठा प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर जैसी मैंने तीनों कीज को इकट्ठा प्रेस किया मेरे पास यहाँ पर इन तीनों सेल्स के अंदर ये चीज़ कैलकुलेट होके आ गई मैं अप्रैल के महीने के नीचे क्लिक करता हूं तो आप इस फॉर्मूले को यहां पर देख सकते हैं सिमिलरली मैंने मे के नीचे भी क्लिक किया तो आप सेम फॉर्मूले को यहां पर देख सकते हैं जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं स्टूडेंट मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए इन डिफरेंट स्टेप्स को यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं सिलेक्ट द सेल रेंज वेयर यू वॉन्ट द एर रिजल्ट हमने इस पर्टिकुलर रेंज को यहाँ पर सिलेक्ट किया था टाइप द फार्मूला इन द फार्मूला बार हमने इसके फार्मूले को फार्मूला बार के अंदर टाइप किया था प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर यहाँ पर जब हम फार्मूले को लिख देंगे तो वहाँ पर सिंपली एंटर को प्रेस नहीं करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर की इन तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर प्रेस करते हैं एक्सेल को इस बात का पता चल जाता है कि यह कोई एरे फंक्शन परफॉर्म किया जा इट शोज द सेम फार्मूला इन तीनों सेल्स के अंदर आप कहीं पर भी क्लिक कीजिए आपको ये फार्मूला दिखाई देगा एंड द लास्ट पॉइंट इज जैसे हमने इस फॉर्मूले को यहां पर लिखा एक्सेल ने इसके दोनों साइड के ऊपर ली ब्रैकेट्स दे दिए सी द करली ब्रैकेट्स अराउंड फार्मूला डिपिक्टिंग दैट इट इज एन एरे जैसी ये दो करली ब्रैकेट हो गए तो हमें भी ये पता चल गया कि ये एक एरे फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है इन सभी स्टेप्स को मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट अब मैं टोटल बजट अमाउंट फॉर द ईयर 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को टेकअप कर रहा हूँ तो मैंने इन तीनों सेल्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया फॉर्मूला बार के अंदर मैं इक्वल्स टू देने के बाद इस टोटल अमाउंट को टेकअप करता हूँ सी टेन टू ई टेन ये मैंने एक एरे ले लिया इस प्लस के सिंबल के बाद मैं ये इंक्रीज बजट अमाउंट को टेकअप कर रहा हूँ आप नोट करेंगे मैं यहाँ पर दो एरेस को ऐड कर रहा हूँ लेकिन मैं सिंपली एंटर प्रेस नहीं करूँगा आई विल प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर मैं ये तीनों कीज़ को इकट्ठा प्रेस कर रहा हूँ ही मैंने तीनों कीज को इकट्ठा प्रेस किया आप देख सकते हैं कि मेरे पास टोटल बजट अमाउंट फॉर द ईयर 2023 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मई और जून नीचे कैलकुलेट होके आ गया हमने इसके लिए जिस फंक्शन को यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ स्टूडेंट इसके साथ मैं उम्मीद करूँगा कि अब आपको एरे फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के अंदर आसानी होगी सिंपली एक बात का ध्यान रखेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर की आपने तीनों को इकट्ठा प्रेस करना है अगर इसमें से कोई भी की आगे पीछे प्रेस होगी तो एरे फार्मूला आपको रिजल्ट नहीं देगा आई होप दैट दिस सिंपल एग्जाम्पल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एरे फार्मूला थैंक यू वेरी मच